हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूएस स्टडी वीज़ा के बारे में। सो जनरली बच्चों की क्वेरीज आती है एंट्री रिक्वायरमेंट्स को लेके। सो अगर हम एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें, सो एकेडमिक बेसिस पे हम जो है 50% ऑनवर्ड्स प्रोफाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आयल्स की बात करें, सो 6 नॉट लेस देन 5.5 एंड 5.5 ओवरऑल पे भी हम जो है बच्चे की प्रोफाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं। पीटी रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए, सो 45 ऑनवर्ड्स हम प्रोफाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं। I20 का जो टैट टाइम रहेगा वो रहेगा 15 to 20 days तक। अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 lakhs to 12 lakhs के पैकेजेस रहेंगे बच्चों के लिए फॉर 1 ईयर, और 6 months की पेमेंट करके, यानी कि 1 semester की पेमेंट करके बच्चा USA जा सकता है। इंटरव्यू की होल प्रिपरेशन जो रहेगी वो लैंडमार्क के एंड से रहेगी। अगर हम बात करें CPTs एंड OPTs की, सो बच्चों को जो है CPTs मिलेगी ड्यूरिंग द स्टडी, उनकी जो रेलेवेंट फील्ड रहेगा उसके भी हाफ पे, और ये 100% जो है पेड रहती है। अगर हम आप जॉब्स की बात करें, यानी कि अगर हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें, सो वो भी बच्चा कर सकता है। अगर हम आफ्टर द स्टडी, यानी कि जब आपका स्टडी कंप्लीट हो रहा है उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात करें, सो उसके भी हाफ पे बच्चे को मिलता है OPT, जो कि बिजनेस एंड आर्ट्स प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स को मिलता है 1 साल का। और स्टेम, यानी कि जो बच्चे IT या फिर टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या कोई भी साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनका रहता है 2 से 3 साल का। अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें, सो प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे बैचलर्स में 4 साल का, एसोसिएट डिग्री में 2 साल का, एंड मास्टर्स के लिए 2 साल के प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 1 साल का प्रोग्राम भी आपको ऑफर करते हैं। अगर हम बात करें कि कितने रेंज रहता है आपके ट्यूशन फीस का या फिर आपके लिविंग कॉस्ट का, सो ट्यूशन फीस का आपका आफ्टर स्कॉलरशिप जो है आपका 8 या 9 लाख भी आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई बढ़िया मतलब कोई मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रहे हैं, तो उसके भी हाफ पे भी आपका थोड़ा बहुत हाई रह सकता है, जैसे कि 12 या फिर 14 लाख। कॉलेज में जा रहे हैं तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 8-9 लाख की फीस आपकी पूरी साल की रहती है। अगर मैं बात करूँ मास्टर्स प्रोग्राम की, तो स्पेसिफिकली आपका 9 to 10 लाख से स्टार्ट होता है। एंड अगर मैं लिविंग कॉस्ट की बात करूँ, सो लिविंग कॉस्ट भी आपका अप्रॉक्सीमेटली $10,000 तक रहता है, यानी कि मंथली बेसिस पे आपका $700 से लेके $800 तक रहता है पूरे मंथ का खर्चा। सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 30 से 35 लाख जो है फंड शो कराने होते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। आप लैंडमार्क को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।